साथियों, हमारे बीच आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि माननीय मनिंदरजीत सिंह बिट्टा पहुंच चुके हैं और ये हमारे लिए बहुत ही गौरव का क्षण है। बिट्टा जी के बारे में मुझे बताया गया, मैं थोड़ा ज्यादा समय ना लेता हुआ। बिट्टा जी को लगभग मैं 25 सालों से जानता हूं। मैंने अपने इस देश में लगभग 1.25 अरब लोग हैं। अगर किसी ने भगत सिंह नहीं देखा, मैं एक लाइन कहा करता हूं कि कोई रो के गया, कोई हंस के गया, जो भी आया इस धरा पर वो एक दिन जरूर गया, लेकिन जीना तो उसका है जो बिट्टा जी जैसा होके गया। बिट्टा जी का होके गया, मैंने कहा जा चुके हैं, ये तो शरीर है। इनके पार 5 बार अटैक हो चुके, जिंदा शहीद कहा जाता है इन्हें। पता नहीं भगवान ने क्यों इनको जिंदा रखा है, वरना इतने अटैक पे तो कोई धरती पर नहीं बचा। इनको इनका बलिदान हर वक्त इस देश में 1.25 अरब लोगों में कोई देश के लिए जीता है तो मैं कहता हूं सबसे ऊपर अगर किसी व्यक्ति का नाम है तो बिट्टा जी है। युबा, युबा से यही हमारी सदा रही परिपाटी है। खून दिया है मगर नहीं दी कभी देश की माटी है। जो जिनके हृदय में हिंदुस्तान बसता है वो मेरे साथ यथास्थान वंदे मातरम गाएंगे। उत्तर से लेके दक्षिणी लकेर तक, पूर्वा से लेके पश्चिमी समीर तक, पर्वतों से लेके घाटियों के तीर तक, सागरों से लेके नदियों के नीर तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, आत्मा से लेके नश्वर शरीर तक, चाहे जिंदा रहे चाहे मर जाए हम गाएंगे गाएंगे हमें वंदे मातरम, 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 वंदे मातरम। तीसरी पोस्टिंग अखनूर जम्मू कश्मीर में हुई। नरेश टिकैत जी, ये एक अभिभावक की तरह बच्चों को अपने तो हमारे मुख्य अतिथि जिनको सुनने के लिए आप सब लोग इतनी देर से इंतजार कर रहे हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि शौर्य दिवस पर वे हम सबको अपना आशीर्वचन दें। माननीय मनिंदरजीत सिंह बिट्टा। वंदे मातरम। जब जवान घर से निकलता है, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपनी माता, अपनी बहने, तो निकलते वक्त उसकी आंखें नम और सोचता है मैं जा रहा हूं मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए, और उसकी बहन, उसकी पत्नी, उनके बच्चे, उनके माता पिता वो जरूर ये सोचते हैं कि हमारा बेटा, हमारा पति, हमारा भाई जल्दी लौट के मिलने आएगा।
और जाते हुए अपने मन के अंदर से आवाज निकलती है उसकी मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा करने के लिए और कहता है, एक शाम चिरागों में सजा रखी है, सख्त लोगों ने हवाओं में लगा रखी है, अंजाम की भी हम परवाह नहीं करते, जान हमने भी हथेली पे उठा रखी है और किसी बाकी को चलेगा। मेरे यहाँ पे बुजुर्गों, हमारे वो महान क्रांतिकारी किसानों के आंदोलनकारी, किसानों के वो मसीहा जिनको हम प्यार से बाबा टकैती बुलाया करते थे, मैं उनको देखा करता था, उनको सुना करता था, उनके आंदोलनों को देखा करता था। उनके पिताजी और उनके बेटे यहाँ पे साहबजादे नरेश जी टकैत जी यहाँ बैठे हैं, और उनके आंदोलन में उस वक्त के महान क्रांतिकारी जिनका मैंने आशीर्वाद लिया वो यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनें, मेरे भाई। और आज जब मुझे बताया गया कि गांव में उनकी मूर्ति का निर्माण है और उन्होंने कितनी बड़ी शहादत और कुर्बानी दी है, और कश्मीर के अंदर आतंकवादियों को ललकारते हुए, तीनों को ठोकते हुए, उनके बाद शहादत का जाम पीते हुए इस मातृभूमि की सेवाओं की रक्षा के लिए कुर्बानी दी है, आज उनका कार्यक्रम मैं जरूर पहुंचूंगा। और मुझे उनके साथ साथ आपके आशीर्वाद का मौका मिला, पिता समान बुजुर्ग मेरे, मैं एक बात जरूर आपको कहना चाहूंगा, प्रथम राष्ट्र है तेरा, वैभव अमर रहे, मां हम दिन चार रहे ना रहे, हमने भी बचपन से लड़ाई लड़ी, हम फौजी नहीं है, पर फौजी के बगैर बचपन से ही मौत का कफन बांध करके मातृभूमि की रक्षा के लिए जब पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, हजारों बहनों के सुहाग उजड़ गए, हजारों बच्चे यतीम हो गए, खून की नदियां बह गई, किसी माँ को ये नहीं पता होता था मेरा पति, मेरा बेटा, मेरी बेटी घर से निकले हैं, वापस लौटेगा या नहीं लौटेगा। उस वक्त हमने वर्दी के बगैर मौत का कफन बांध करके यह कहा था, शहीद आजम भगत सिंह जी को याद करते हुए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना, लड़ाई लड़ी, बहनों के सुहागों की रक्षा के लिए, बच्चों को यतीम होने के बचाने के लिए, खून की नदियां बहती हुई उसको समाप्त करने के लिए हमने मौत का कफन बांधा। जब आवाज उठी पंजाब हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं रहेगा, पंजाब में खालिस्तान बनेगा, पंजाब खाली पाकिस्तान से मिलेगा, हमने कहा नहीं, हिंदुस्तान एक है, हिंदुस्तान एक रहेगा, खालिस्तान ना कभी बना था, ना कभी बनेगा, ना कभी बनने देंगे, बनेगा तो गंदी हनेरी की तरह, पहले की तरह हमारी लाशों से गुजर जाएगा। और पंजाब में अमन शांति आया, पर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम होने के बाद बड़ी मुश्किल से पंजाब को ठीक किया। आज अगर उस वक्त डागी जी जैसे, पिंकू जी जैसे बहादुर सूरवीर ना होते, मौत का कफन बांध करके पंजाब की उस वक्त रक्षा ना करते, आज शहर पंजाब का हिस्सा अपन से टूट जाता। जलियांवाला बाग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने अपने सीने पे जनरल डायर की गोलियां खाई, खून बहा लाल, उस लाल की खून की मिट्टी में शहीद आजम भगत सिंह ने चोरी घर से आकर के खून इकट्ठा किया, बॉटल में डाला, रोज तिलक लगाते थे, कहते थे भारत को आजादी दिलवाने के लिए हम जब बड़े होंगे अब हम फांसी के रस्सों को चूमेंगे। उन्होंने रोज टिक्का लगाना और भारत माता की जय, वंदे मातरम बोलना, और जब पार्लियामेंट के अंदर सेशन चल रहा था, बम को फेंका, इंकलाब जिंदाबाद के नारे दिए और भागे नहीं, इनकलाब जिंदाबाद राजगुरु सुखदेव के साथ बोलते हुए
गिरफ्तारी दी, जब 14 नंबर कोठरी लाहौर जेल में बंद कर दिया जाता है, ऐसे बहादुर उस वक्त के नौजवान जज्बा देश प्रति, एक देश की आजादी, एक देश की सीमाओं की रक्षा की, आजादी की रक्षा, कहते भगत सिंह आपकी छाती कब होगी? तो भगत सिंह हंसते हुए कहते हैं, अगर इस भारत माता की गुलाम धरती पे मेरी शादी होती है तो दुल्हन मेरी मौत होगी, शहीद हो चुके मेरे बराती होंगे। ये जज्बे से, कुर्बानियों से हिंदू ने, मुसलमान ने, सिख ने, ईसाई ने, कुर्बानी शहादतों से जब भारत आजाद हुआ, पर उसके बाद इस भारत माता की आजादी की रक्षा करना हमारा कर्तव्य था। हमें भी उस वक्त जलियांवाला बाग के अंदर 7 साल की उम्र में टहलते हुए, वहां पे एक तरफ हरमंदिर साहब वो पवित्र नगरी जहां हिंदू, जहां मुसलमान, जहां सिख, जहां ईसाई नमस्तक करता है, एक तरफ शहीद अपना जीवन मातृभूमि के चरणों में देंगे। वक्त आया, पूछा ये क्या है निशान? उन्होंने कहा ये जनरल डायर की गोलियों के निशान है। हम उनका हाथ पकड़ के ले गए और शपथ ले ली उस लाल खून की मिट्टी पे, आजादी इन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने दे दी, इस लाल मिट्टी पे कसम खाते हैं, कभी इस आजादी को खतरा पैदा हुआ, तिरंगे झंडे को खतरा पैदा हुआ, सबसे पहले अपना जीवन मातृभूमि के चरणों में देंगे। वक्त आया, कई वर्षों के बाद जब इम्तिहान का वक्त आया, जब तिरंगे झंडे का अपमान, 15 अगस्त को तिरंगे झंडे का अपमान अमृतसर में करने के लिए आतंकवादियों ने हरमंदिर साहब से चैलेंज कर दिया, आजादी का तिरंगा झंडा नहीं लहराने देंगे, जहां खालिस्तान का झंडा लहराया जाएगा, अगर लहराओगे तो बम्बों से उड़ा देंगे। हमने कहा, हमने जलियांवाला बाग में शपथ ली थी शहीदों की, आज इम्तिहान का वक्त है, गोली चले या बम चले, आजादी का तिरंगा झंडा यही लहराएंगे, पर भारत की आजादी की रक्षा की शपथ भी आज लेंगे। सुबह बम चलता है और 12 बजे हम तिरंगा झंडा लहराते हैं। आजादी कहते अब तिरंगे झंडे को उतार के आग लगाएंगे। हमारे नौजवान दोस्त जैसे अभी वंदे मातरम बोल रहे थे, वंदे मातरम भारत माता की जय बोलते हुए तिरंगे झंडे के नीचे खड़े रहे, पहरा देते रहे, एक तरफ AK-47, एक तरफ रॉकेट लॉन्चर, एक तरफ गोलियों की बुछाड़े और एक तरफ वंदे मातरम भारत माता की जय और तिरंगा झंडा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के खून का। 5 बजने लगे, सूरज डूबने लगा, तिरंगे झंडे को उतारा, वंदे मातरम भारत माता की जय बोला। हम दिल से सबको कहते, अगर वंदे मातरम भारत माता की जय इस बहादुर सूर वीर की तरह हो तो बम गोलियां भी दूर भाग जाते, उनका भी असर नहीं होता। आज हम आपको मुबारकबाद देते हैं कि आज आप लोगों ने मिलकर डाकी जी के स्टैचू को, वो बहादुर सूरवीर के स्टैचू को यहां पे रखा, आज उनका उद्घाटन होगा और सदा सदा के लिए ये हमारी आने वाली जनरेशन जब इनको सलूट करेंगी तो उनके मन के अंदर जज्बा जरूर पैदा होगा कि हम भी बड़े होके एक बहादुर, वो सूरवीर ऐसे बहादुर जाबाज बने जो मातृभूमि की सीमाओं की रक्षा कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ आपका शुक्रिया अदा करते हुए मैं आपसे ये फिर वादा करता हूं, ये बची हुई बम्बों से बोनस की जिंदगी, 14 बार आतंकवादियों ने मेरे ऊपर हमले किए, कई मेरे जवान शहीद हो गए, कई मेरे दोस्त दुनिया से चले गए, हम बोनस की जिंदगी में बच गए, पर हम अपने आप को हमेशा बोनस पे समझते हैं। और आपसे वादा करके जाता हूं, इस सूरवीर बहादुर की सोच पे चलते हुए जितनी देर तक पूरे देश में आतंकवाद समाप्त नहीं होता, इस देश से आतंकवाद से मुक्त भारत नहीं होता, इन शहीदों की सोच की रक्षा करते हुए बार बार अपने जीवन को मातृभूमि के लिए निछावन करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद। हजारों साल सामूहिक रूप से राष्ट्रगान और हमारे मुख्य सचिव जी माननीय नरेश जी कहती
थोड़ा 1 घंटे।